स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस मैम। तो आज जो थर्ड ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन है वो है टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ प्योर पैरा ब्रोमो एसिटनलाइड। हमने आज पैरा ब्रोमो एसिटनलाइड बनाना है फ्रॉम द एसिटनलाइड। First of all, you should know what is the molecular formula of acetanolide. Acetanolide में क्या होता है? Benzene ring पे NHCOCH3 group लगा होता है, ठीक है? तो जो bromine attack करता है, this is also a part of this is also an electrophilic aromatic substitution reaction. इसमें जो हमारा electrophile है, वो para पे जा रहा है, ठीक है? Which leads to the formation of para bromo acetanolide. Which leads to the formation of para-bromo-acetanolide with the release of HBr. तो यहाँ पे substitution भी हो रही है और electrophile भी attack कर रहा है और यहाँ पे aromatic ring पे electrophile का attack हो रहा है. So this is electrophilic aromatic substitution reaction. अब इसका mechanism क्या है वो हम further discuss करेंगे, but पहले हम इसका procedure पढ़ लेते हैं. जो मैंने आपको video link share किया था वो आपने देखा था, video देखा था आपने para-bromo-acetanolide formation वाला? Yes, जो मैंने, ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो चीजें करते हैं वही सेम चीजें हमने यहाँ पे करनी है. बट उसने जितनी क्वांटिटी ली है वीडियो में, हम यहाँ पे उतनी क्वांटिटी नहीं लेंगे. हमारी जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रही है. यहाँ पे जो हम एसिटनलाइड ले रहे हैं वो 4 ग्राम ले रहे हैं, उसने 4.5 ग्राम लिया था, ठीक है. ग्लेशियल एसिटिक एसिड, नाउ व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड नॉर्मल एसिटिक एसिड? This question can be asked in your Viva. So basically, जो glacial acetic acid होता है, that is anhydrous form of acetic acid, which is free of water. There is no dilution in the glacial acetic acid. ये बिल्कुल concentrated acetic acid होता है, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला होता. That this is the undiluted form of acetic acid, which is free of, which is absolutely free of water. ठीक है, तो इसका क्वांटिटी लेंगे हम 20 ml, ब्रोमीन लेंगे 1.8 ml. तो हमने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, आपको एक 100 ml फ्लास्क लेना है, ठीक है. वो आप कोनिकल फ्लास्क भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कोनिकल फ्लास्क ना लेके बीकर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो हमारी पीपीटी बनते हैं ना वो कोनिकल फ्लास्क में अच्छे से निकलते नहीं है. कोनिकल फ्लास्क कैसा होता है, ऐसा होता है कॉनिकल फ्लास्क, और हमारा बीकर कैसा होता है, बीकर कैसा होता है हमारा, इस तरह से, ठीक है. ये हमारा बीकर होता है और ये कॉनिकल फ्लास्क होता है. तो प्रेसिपिटेट निकल तो दोनों में से जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम स्पैचुला और ग्लास रोड, लेकिन जो बीकर है इसमें से जो हमारे प्रेसिपिटेट है वो इजीली निकल जाएंगे, क्योंकि इसका जो माउथ है वो वाइड होता है, कोनिकल फ्लास्क का माउथ नैरो होता है, ठीक है. तो एक हम 100 ml ड्राई और क्लीन बीकर ले लेंगे, जिसमें हम 14 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, उसमें हम 4 ग्राम एसिटनलाइड डालेंगे और उसको स्टिर करेंगे. सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, ग्लास रोड होती है कांच की पतली सी, ठीक है, उससे हम इसमें डाल के उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, स्टिर करेंगे कॉन्टिन्यूसली
ठीक है, ये हो गया, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन वन, दिस इज वन। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन टू बनाना है एक अलग बीकर में। सॉल्यूशन टू बनाना है हमने एक अलग बीकर में। डिसोल्व 1.8 ml ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन को बड़ा ही केयरफुली हैंडल करना है हमने। तो कितनी क्वांटिटी लेनी है ब्रोमीन की? 1.8 ml ब्रोमीन लेना है इन 6 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखो टोटल क्वांटिटी कितनी लेनी थी ग्लेशियल एसिटिक की, एसिटिक एसिड की 20 ml लेनी थी। हमने 14 ml तो इस बीकर में ले ली। अब जो बची 6 ml वो हम दूसरे बीकर में लेंगे जिसमें हम 1.8 ml ब्रोमीन भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा हमारा ब्रोमीन और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, एंड देन ट्रांसफर इट टू अ ब्यूरेट क्लैम्प्ड ओवर द कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, फिर हमने इस सॉल्यूशन को एक बीकर में प्रिपेयर कर लिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड को और ब्रोमीन को अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद हमने इसको एक ब्यूरेट में ऐड करना है। ब्यूरेट वो जो हमने टाइट्रेशन में यूज की थी ना, वो लंबी सी ब्यूरेट होती है जो, ठीक है, इस तरह से कुछ इसकी, फिर यहाँ पे पतली सी एक नोब बनी होती है। ठीक है, इस पे कुछ 50 ml तक रीडिंग फर्दर जाती है। इस ब्यूरेट को हमने क्लैंप स्टैंड पे क्लैंप करके इस बीकर के ऊपर लगा देना है। ठीक है, ब्यूरेट के ना यहाँ नोब लगी होती है यहाँ पे। ठीक है, उसको थोड़ा ढीला छोड़ना है। ठीक है, और सॉल्यूशन को इसमें आने देना है हमने, और इस ग्लास रोड से स्टिर करते रहना है। ठीक है, एड द ब्रोमीन सोल्यूशन। ये जो ब्रोमीन सोल्यूशन है जो हमने ब्यूरेट में डाला है, दिस इज सोल्यूशन टू विच इज ब्रोमीन सोल्यूशन जो हमने ब्यूरेट में डाला है। इस सोल्यूशन को इस बीकर में कॉन्टिन्यूसली एड करते रहना है विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। ठीक है, कब तक एड करते रहना? जब तक एक ऑरेंज कलर्ड सोल्यूशन अपियर नहीं हो जाता विच इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, फिर हमने रिएक्शन मिक्सचर को 30 मिनट तक हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है और बीच बीच में उसको शेक करते रहना है। ठीक है, अब जो हमारे ये ब्रोमीन के टाइट्रेशन है ना, ब्रोमीन को हमने फ्लास्क में तब तक ऐड करते रहना है जब तक जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वो ऑरेंज कलर का नहीं हो जाता। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन मीन्स जितना यहाँ पे एसीटोनालाइड हमारा 4 ग्राम ही था, 4 ग्राम एसीटोनालाइड जब रिएक्ट कर जाएगा तो बाकी जो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा? ब्रोमीन की वजह से होगा। ठीक है, 30 मिनट तक हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है और बीच बीच में जाके इस वाले बीकर को शेक करना है, क्योंकि अब जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है वो इसी में ही है। क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन को हमने इसमें कब तक डालना है? जब तक इस बीकर में सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज नहीं हो जाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, वहां पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, फिर हम इस बीकर को रूम टेम्परेचर पे 30 मिनट के लिए रख देंगे और बीच बीच में जाके हम इसको शेक करते रहेंगे, ओकेजनली शेकिंग करते रहेंगे। फिर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को 80 to 90 ml पानी में ऐड कर देंगे विद स्टिरिंग। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्रूड पैराब्रोमो एसिटोनालाइड सेपरेट आउट हो जाएगा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, इफ द मिक्सचर इज कलर्ड, अगर अभी भी मिक्सचर में कोई कलर है ब्राउन या ऑरेंज कलर का है तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल देंगे। ठीक है, तो वो जो है कलर जो है वो ब्रोमीन की वजह से होगा, तो सोडियम बाइसल्फाइड उस जो जो एक्सेस ब्रोमीन है उससे रिएक्ट करके उसके ऑरेंज कलर को खत्म कर देगा। ठीक है, फिर इसमें जो क्रूड आया व्हाइट कलर का, जो इसको 30 मिनट तक रखने के बाद, फिर 80 to 90 ml वाटर में डालने के बाद, फिर उसको फिल्टर करने के बाद जो व्हाइट कलर का क्रूड आएगा उसको हमने क्या करना है? फिल्टर कर लेना है अंडर संक्शन पम्प। ठीक है, देन वॉश द क्रिस्टल्स विद कोल्ड वाटर एंड ड्राई बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। हमने उन क्रिस्टल्स को वॉश करना है विद कोल्ड वाटर और फिर उसको ड्राई करना है बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप इज अ प्योरिफिकेशन स्टेप। प्योरिफिकेशन में हम क्या करते हैं? बेसिकली क्रूड प्रोडक्ट को रिक्रिस्टलाइज करते हैं विद द रेक्टिफाइड सिप्रेट। रेक्टिफाइड सिप्रेट इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इट इज अप्रोक्स 95% एल्कोहल एंड रेस्ट इज वॉटर। ठीक है, तो हम इसको रेक्टिफाइड सेपरेट से रिक्रिस्टलाइज करते हैं ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन? दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। प्योरिफिकेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन सभी में, चाहे कोई भी प्रिपरेशन है, रिक्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसीजर है सभी में सेम होगा। ठीक है, सॉल्वेंट बदल सकते हैं किसी किसी सी प्रिपरेशन में, तो हम सेपरेट के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं,
इसी में हम किसी दूसरे केमिकल के साथ रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक है, प्योरीफाई द क्रूड मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बाय रिक्रिस्टलाइजिंग इट फ्रॉम द रेक्टिफाइड और मिथाइलेटेड सिप्रेट। डिजोल्व द क्रूड मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सिप्रेट। हमने ना जो हमारा क्रूड आया ना, यहाँ पे हमारा क्रूड कौन सा चल रहा है, पैराब्रोमो एसिटोनालाइड। सो डिजोल्व द क्रूड पैराब्रोमो एसिटोनालाइड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सिप्रेट। मिनिमम अमाउंट ऑफ सिप्रेट लेना है, इतना सिप्रेट लेना है कि जितना उसको सफिशियंट हो क्रूड को खुद में डिजोल्व करने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं लेनी उसकी क्वांटिटी, ठीक है। और फिर उसको बॉइलिंग वाटर बाथ पे गर्म करना है जब तक वो जो क्रूड है वो पूरा का पूरा सिप्रेट में डिजोल्व नहीं हो जाता, ठीक है। फिर उसको गर्म गर्म कोई हमें फिल्टर कर लेना है, ठीक है। फिर उसको जो हमारा नीचे आएगा फिल्टर करने के बाद जो नीचे बीकर में आएगा दैट इज आर फिल्ट्रेट, ठीक है। देखो जब तुम फिल्टर करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे देखो एक फनल लगाते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे एक बीकर रखते हैं। तुम्हारा जो क्रूड है जिसको तुमने सेपरेट में डिजोल्व कर दिया वो एक अलग बीकर में प्रेजेंट है, इस वाले बीकर में प्रेजेंट है। इसको तुम इसमें ना फिल्टर पेपर लगाते हो, तुम एक फिल्टर पेपर होता है फिल्टर करने के लिए उसको इसमें डालोगे, ठीक है। तो जो तुम्हारा इम्प्योरिटीज आएंगी वो ऊपर आ जाएंगी और नीचे तुम्हारा जो आएगा दैट इज फिल्ट्रेट, ठीक है। वो तुम्हारे काम का होगा फिल्ट्रेट, ठीक है। उसका तुमने क्या करना है, उसको आइस कोल्ड वाटर में ठंडा करना है। तो तुम्हारे जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स आएंगे इसके पैराब्रोमो एसिटोनालाइड के। तो वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन। सो यू शुड ऑल्सो नो दिस। नाउ द थियोरटिकल यील्ड ऑफ दिस कम्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इज 5 ग्राम, बट इसकी जो थियोरटिकल यील्ड है वो 5 ग्राम नहीं आती। जब हम कैलकुलेट करते हैं 6.3 ग्राम आती है। इसमें अबाउट 5 ग्राम लिख दी है ऐसे ही कि आइडिया से, लेकिन जब हम इसकी थियोरटिकल यील्ड जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी 5 ग्राम नहीं आती, 6.3 ग्राम आती है। Now, what is the melting point of 16 parabromo acetonalide? That is 167 degree Celsius. ठीक है? ये जो तुम्हारा melting point आएगा ना, ये parabromo acetonalide को recrystallize करने के बाद आएगा, ठीक है? अगर तुम crude का melting point लेने जाओगे तो उसका melting point may be 167 degree Celsius आ भी सकता, means के आसपास आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बट हमें रिक्रिस्टलाइज तो करना ही करना है उसको अच्छे से प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। और जब वो प्योर हो गया फिर उसके ज्यादा चांसेस है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आए, सही आए, ठीक है। ये तुम आगे फाइनल ईयर में पढ़ोगे कि जब किसी सॉल्यूशन जब किसी सब्सटेंस पे इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये तुम फाइनल ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट और नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो जो मैंने वीडियो लिंक शेयर किया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था, उसने क्या अलग किया है, अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा और ये प्रोसीजर भी अच्छे से सुना है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है कि उसमें हमने जो रिएक्शन ये वाला सॉल्यूशन लिया था ना 1.8 ml ऑफ ब्रोमीन प्लस 6 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वो हमने सेपरेटिंग फनल में लिया था। वो कुछ छोटी सी फनल थी ना, इस तरह की कुछ बनी हुई थी, यहाँ से वाइट उसका वो था और फिर नीचे से उसकी नैरो माउथ था, कुछ इस तरह से बना हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो हमारी ब्यूरेट में ही लिया है, ठीक है, जो हमने टाइट्रेशन में यूज किया है, ठीक है, वो ही हमने लिया है इसमें, बस दिस इज द डिफरेंस। बाकी सारा प्रोसीजर उसने सेम किया हुआ है जो यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। हाँ, बस क्वांटिटी वेरी कर सकती है, यहाँ पे जो क्वांटिटी ली हुई है केमिकल्स की वो वेरी कर सकती है उसमें और इसमें, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट
द प्रोसीजर ऑफ सॉरी मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पैराब्रोमोएसिटोनिलाइड फ्रॉम एसिटोनिलाइड. Mechanism of formation of parabromoacetanilide from acetanilide. ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, मेन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए. सो स्टेप वन इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो स्टेप वन इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके इसका जो इसमें एक डायपोल इंड्यूस होगा जब इस एसिडिक एसिड से इंटरेक्शन करेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहां से हमें क्या मिलेगा, बी आर पॉजिटिव मिलेगा विच इज ब्रोमोनियम आयन विच विल एक्ट एज आर इलेक्ट्रोफाइल एंड विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग. ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्रोमोनियम आयन मिलेगा और CH3CO नेगेटिव मिलेगा और HBr मिलेगा. जो कल हमने मैकेनिज्म किया था और जो आज मैकेनिज्म किया है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, उसमें हमने नाइट्रोनियम आयन दैट वाज NO2 पॉजिटिव. यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, Br पॉजिटिव विच इज ब्रोमोनियम आयन. वहां पे ये जो जनरेट हुआ था कॉन्जुगेट बेस वो कौन सा था जो कल मैकेनिज्म किया था, HSO4 नेगेटिव था ना उसमें, यहाँ पे क्योंकि उसमें हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था तो यहाँ पे क्या बना था, HSO4 नेगेटिव. अब यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज किया तो इसका कॉन्जुगेट बेस बना दैट इज CH3CO नेगेटिव और HBr बनेगा. तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो इस स्टेप में जनरेट हो गया है. अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे. सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग. तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पैरा पोजिशन पे क्यों अटैच हो रहा है, कल हमने बोला था कि जो कल वाले मैकेनिज्म में जिसमें नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल था और उसमें यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था, NO2 ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे NO2 की जगह एसिटोनलाइड ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे अटैक पैरा में हो रहा है, वहां पे अटैक मेटा पे हो रहा था, तो वो तो कल तो हमने एक्सप्लेन कर दिया था. अब यहाँ पे अटैक पैरा पे क्यों हो रहा है कोई बता सकता है आप में से? यस, कोई बता सकता है? ऑर्गेनिक पे आपने 12th में भी तो पढ़ा होगा, ये मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये सब पढ़ा हुआ है ना कि नहीं पढ़ा हुआ? देखो यहाँ पे जो NHCOCH3 है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू प्लस आर. नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं. ठीक है, अब दो डबल बॉन्ड एक साथ तो एग्जिस्ट करते नहीं, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो सकता है, एक बार इस अटैक को इग्नोर करो. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ सकता है, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो एसिटोनलाइड ग्रुप है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट. ठीक है, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. जो कल हमने पढ़ा था NO2 दैट वाज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट दिस एसिटोनलाइड इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग. ठीक है, तो अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले ये समझ लो कि यहाँ पे मींस वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, बट अभी के लिए ये समझो कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या ऑर्थो पे होगा या पैरो पे होगा. अब ऑर्थो पे होगा नहीं क्योंकि दो ग्रुप्स अगर बिल्कुल एक साथ होंगे पोजीशन पे तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस के चांसेस हैं, क्योंकि ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ऑर्थो वाला अटैक प्रेफरेबल नहीं होगा, रादर पैरा वाला अटैक ज्यादा प्रेफरेबल होगा, मेटा तो होगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऑलवेज, ठीक है, सो एसिटनलाइड इज वन ऑफ देम। तो अब ये पैरा पे अटैक करेगा, ठीक है, पैरा पे अटैक होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे मेटा पोजिशन पे, ठीक है, सो दिस वॉज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक समझ में आया सभी को अटैक कैसे हुआ है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। सो मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप रिमूवल ऑफ एच एटम। अब देखो CH3CO नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड इज एसिड, तो उसका जो एच प्लस रिमूव करने के बाद जो बनेगा दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस, तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे। नाउ दिस हाइड्रोजन एटम विच इज अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, दैट इज द मोस्ट एसिडिक प्रोटोन, ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम्स पे अटैच है, तो दिस प्रोटोन इज द मोस्ट एसिडिक प्रोटोन, ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि वो एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है, फर्दर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हमारे पास क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो एसिटनलाइड प्लस CH3COH, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे, सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज पैरा ब्रोमो एसिटनलाइड। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है इस पूरे मैकेनिज्म में, फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट इज ब्रोमोनियम आयन, सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पैरा पोजिशन, ठीक है, ऑफ एसिटनलाइड, नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय CH3CO नेगेटिव। नाउ वी हैव टू डिस्कस Now we have to discuss about why electron donating groups are ortho para directing. इसका रीजन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो है हमारा ग्रुप NHCOCH3, this is activating group. ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है by plus R effect. ठीक है? Although nitrogen की वजह से, since nitrogen is an electronegative atom, इसका minus R effect भी है. But this is also showing plus R effect. So plus R always dominates over minus I. ठीक है, जो resonance effect होता है वो dominate करता है over inductive effect. तो ये वाले electrons यहाँ shift होंगे, ठीक है, ये अब दो constituent double bond, consecutive double bond exist नहीं कर सकते, तो ये वाला double bond यहाँ shift होगा, तो ये negative charge यहाँ पे आएगा, further ये bond यहाँ shift होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फर्दर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप ये देख सकते हो कि हर बार जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे आ रहा है या पैरा पोजिशन पे आ रहा है, ठीक है, तो उससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पे ज्यादा है या फिर पैरा पे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलरेडी एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है, तो वो वहां अटैक करना प्रेफर करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इसके स्ट्रक्चर्स देख के लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो या ऑर्थो पे ज्यादा है या पैरा पे ज्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल विल नेचुरली अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशन, एंड आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा इट विल प्रेफरेबली अटैक ऑन पैरा पोजिशन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है बट बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, ठीक है, सो जो क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, उस वजह से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, सो पैरा अटैक प्रेफरेबल होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट्स मैकेनिज्म। तो ये इजी सा मैकेनिज्म है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, पूरे चांसेस है। Now, next we have to see about how to calculate the theoretical yield. अब जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी उसमें क्या बन रहा है हमारे पास, वन मोल ऑफ एसिटनलाइड से
वन मोल ऑफ पैराब्रोमो एसिटोनालाइड बन रहा है, मीन्स यहाँ भी वन मोल है, यहाँ भी वन मोल है, ठीक है। वन मोल ऑफ एसिटोनालाइड इज इक्वल टू वन मोल ऑफ पैराब्रोमो एसिटोनालाइड, सो वी हैव टू फाइंड इट्स थ्योरेटिकल यील्ड। नाउ मोलिकुलर वेट ऑफ एसिटोनालाइड इज 135.17 ग्राम, सो 135.17 ग्राम ऑफ एसिटोनालाइड कैन गिव, पैराब्रोमो एसिटोनालाइड का मोलिकुलर वेट है 214.06 ग्राम ऑफ पैराब्रोमो एसिटोनालाइड, सो 4 ग्राम ऑफ एसिटोनालाइड कैन गिव दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 4, सो 6.33 ग्राम इज द थ्योरेटिकल यील्ड, मींस इतना पैराब्रोमो एसिटोनालाइड बनना चाहिए, दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड, बट प्रैक्टिकली इतना जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बनता नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है, दिस इज थ्योरेटिकल यील्ड, लेकिन जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं दैट इज प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। सो प्रैक्टिकल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 गिव्स अस द परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, लास्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने जो मैंने पीडीएफ शेयर की थी कल? यस मैम। कोई डाउट है आपको इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग? मैम यील्ड कैसे निकालते हैं, ये फिर से रिपीट करना। थ्योरेटिकल यील्ड? यस मैम। यील्ड बेसिकली रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट व्हिच वी आर फॉर्मिंग, ठीक है। Now we are forming parabromo acetanolide from the acetanolide. So in our chemical reaction, we are taking one mole of acetanolide on the reactant side, and which leads to the formation of one mole of parabromo acetanolide on the product side. Okay. Now the molecular weight of acetanolide is 135.17 gram. So agar itne gram of acetanolide se, this is also molecular weight of parabromo acetanolide. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मोल्स डिफर करते तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक मोल एसिटोनालाइड से 3 मोल पैराब्रोमो एसिटोनालाइड बनता, तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। मींस एक मोल एसिटोनालाइड से अगर 3 मोल बनते तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हम इसके वेट को, लेकिन यहाँ पे इक्वल इक्वल बन रहा है, दैट इज 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। सो अगर इतने ग्राम ऑफ एसिटोनालाइड से इतने ग्राम ऑफ पैराब्रोमो एसिटोनालाइड बन रहा है, तो हमने जो हमारी क्या वो है हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने कितने ग्राम एसिटोनालाइड लिया है? 4 ग्राम लिया है ना, सो 4 ग्राम से कितना बनना चाहिए, ठीक है। सो दिस बाय दिस इनटू 4 एंड 6.33 ग्राम ऑफ पैराब्रोमो एसिटोनालाइड बनना चाहिए 4 ग्राम एसिटोनालाइड से, ठीक है। दिस इज द थ्योरेटिकल यील्ड कि इतना बनना चाहिए, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जरूरी तो नहीं है इतना ही बनेगा, 5 ग्राम भी बन सकता है, 4 ग्राम भी बन सकता है, ठीक है, कई बार कम भी बन जाता है, 3 ग्राम भी बन सकता है, ठीक है। तो उस केस में वो डिफरेंट केस होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है, वैसे कम ही बनता है मोस्टली। तो वहां से हम परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड निकाल लेंगे कि हमारा जो प्रैक्टिकल यील्ड आया सपोज वो 5 ग्राम आया, ठीक है, सो परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड विल बी इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड जो हमारा बना है सपोज दैट वाज 5 ग्राम, ठीक है। सो प्रैक्टिकल यील्ड 5 ग्राम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड दैट इज 6.33 ग्राम इनटू 100, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू आवर परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। देन वी हैव टू टेक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराब्रोमो एसिटोनालाइड, सो ये सारी चीजें हमें अपने रिजल्ट में लिखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड कितनी होती है, परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड कितनी आएगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराब्रोमो एसिटोनालाइड कितना जो हम लैब में करेंगे कितना आएगा। कोई और डाउट है? नो मैम, थैंक यू मैम।
है।